सबसे काबिल लड़का है जो बिहार का जिस बिहार की जनता जिस पर विश्वास करती है, तबे ना बिहार सुधरेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम लोग आए हैं मलाई हाई स्कूल में, जो कि यहाँ पे शांत किशोर आए हुए हैं और वो अपने पद यात्रा पे हैं अभी, जो कि आप लोग यहाँ पे पीछे पोस्टर देख सकते हैं पद यात्रा का। सो गाइस चलिए इसके अंदर हम अब दिखाते हैं उनके स्पीच, थोड़ा देर के लिए आप लोग सुनिए और इसके अंदर के भी दिखाते हैं। जनता का सुंदर राज होना चाहिए, जो बात महात्मा गांधी ने बताई, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जनता का सुंदर राज हो, सबसे सही लोगों को समाज से ढूंढ कर निकाले और एक बार ऐसे लोग जमा हो जाएंगे तो सबके एक साथ बैठाई और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाए। दल बनाने में कितना देर लगेगा, एक घंटा में बन जाए, लेकिन अगर दल बन गया तो उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है, तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का दल नहीं होना चाहिए, एक जाति का नहीं, एक परिवार का नहीं, वो बिहार के सब सही लोगों का दल होना चाहिए, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाना चाहिए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया जाना चाहिए। उस दल का नेता प्रशांत किशोर को नहीं होना है, उस दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल लड़का है, जिस मिट्टी में हम और आप जन्मे हैं, जहां पर हमारे पूर्वज रहे हैं, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। बिहारी वर्ड जो है, ये शब्द जो है, वो गाली बन गया है। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। ये ज्ञान की भूमि रही है तो इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। इसलिए मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको हमारे साथ बोलना है, मैं बोलूंगा जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। क्या हुआ सब, और इधर पूरा पोस्टर लगा हुआ है और अंदर का। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।